ये क्या बात है फिजा, जब से शादी हुई है तुम तो हमें भूल गई हो, पलट कर फोन ही नहीं करती। हाँ ठीक है, लेकिन अब तो फराज भाई भी दुबई चले गए ना, अब क्या प्रॉब्लम है? लड़कियां तो शौहर के जाते ही मायके में आके बैठ जाती हैं, और एक तुम हो। अच्छा ना, मुझे नहीं पता, तुम आ जाओ, मैं और मामू लेने आ जाए, वादा करो। ठीक है, मैं अम्मी को बताती हूँ, देखना वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। क्या बात है, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कारून का खजाना मिल गया। ये क्या बात है, जरूरी है, कारून का खजाना मिलेगा तभी इतना खुश हो सकती हूँ। तो बेटा इतना मुस्कुरा रही हो, वजह तो पूछूंगी ना। फैजा से बात हुई। अच्छा, वाकई उससे बात करके खुशी होती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो किसी पराये देश ब्याह कर चली गई है। अच्छा ना, उदास मत हो, वैसे भी उसने वादा किया वो आज घर आ रही। वाकई? अल्लाह, कितनी खुशी की बात है। देखा, आप भी खुश हो गई ना। हाँ बेटा, बहुत खुश हो गई। अच्छा आप सुने, अब ना दाल सब्जी मत बना दीजिएगा, ऐसा करें चिकन बिरयानी और बिहारी बड़ी बना दो। वाह भाई वाह, तुम्हारे जबान के चटखारे। ये बिल्कुल नहीं सोचती कि अम्मी ये सब कुछ कैसे करेंगी। अम्मी कुछ दिन की बात है, एडजस्ट कर लेना, उसके बाद आप देखिएगा आपकी बेटी कमा कमा कर ना घर भर देगी। नहीं बेटा, मुझे बेटियों की कमाई की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी दुआ है कि तुम लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, खैर से तुम्हारी भी शादी हो जाए, तुम भी अपने घर में जाकर खुश रहो। ये काट दूं तुम्हारे लिए? हाँ, मुझे पता था। फिजा, वो मैं और अरीशा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत से सूट हैं, तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी शादी को भी देनी कितने में। और सुनो, खाना अच्छा बनाना, हम खाना घर में ही आके खाएंगे। जी हाँ। और सुनो, फराज का फोन आया तो प्लीज उसके सामने घर के कामों का रोना शुरू मत कर देना। समझदार लड़कियां वो ही होती हैं जो घर की छोटी छोटी बातों का जिक्र मियां से नहीं करें। मेरा बेटा इतना दूर है, मेहनत कर रहा है, खामखा का परेशान मत करो उसे। बात सुनो मेरी। यस मॉम, बोले, सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब खैरियत है बेटा, आज बिजली के बिल का आखिरी दिन है। अच्छा लाएं तो मैं ऑनलाइन जमा कर दूं? नहीं नहीं, ऑनलाइन जमा नहीं कराना, इस दफा 60% किराएदारों ने देना है, याद नहीं फराज ने प्रॉमिस किया था हमसे? यस याद। ऐसा करो, नीचे जाके उनसे पैसे ले लो, फिर जाके बिल जमा करो। चलो ओके, मैं करती हूं। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं भाभी, आप बिल्कुल ठीक नहीं। आंटी और ईशा कहाँ? नहीं, वो घर पर ही है, मैं ठीक हूँ। भाभी भाभी, संभाले खुद, संभाले खुद को। चले आए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। परेशान नहीं, आ जाए। या अल्लाह रहम कर, परवरदिगार आला, कहाँ रह गई है मेरी बच्ची? हॉल उठ रहे हैं मुझे। मेरी बच्ची, तेरे हम कैसा व्यक्ति कार्य आला। मम्मी, क्या हो गया? क्यों परेशान हो रही? बेटा, कितनी देर हो गई है, फिजा अभी तक नहीं आई है। हो सकता है उसके घर पे कोई इमरजेंसी हो गई हो, इसलिए ना आ सकी हो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उस औरत ने आने से मना ना कर दिया हो। पता नहीं क्या मुसीबत है, इजाजत भी दी होगी कि नहीं मेरी बच्ची को। तो पता नहीं किन लोगों में फिजा की शादी कर दी आपने। फराज भाई को ना उसे अकेले नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। मैं ऐसे करके उसको फोन करती हूँ। हाँ करो जरा बेटा। क्या हुआ? ये फोन तो बंद है। बंद नहीं? अब कोई परेशानी की बात है बेटा, बस मुझे नहीं चैन आ रहा। चलो आप परेशान मत। अच्छा दोबारा करो, दोबारा करो। या अल्लाह रहम करना मेरी बच्ची पर, परवरदिगार। हाँ मेरे अल्लाह, आज तो बहुत थक गए सच में। अम्मी, फिजा, भाभी, फिजा कहाँ है ये लड़की? फिजा, इसके कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। फिजा, आराम से देखिए, नीचे आराम से देखिएगा। बेटा, से ख्याल रखना है अपना पूरा। हाँ ठीक हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी की बेटी ब्याह के लाएं तो एटलीस्ट उसका ख्याल तो रखें। तबीयत खराब हो गई थी भाभी की, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा इमरजेंसी में, लेकिन आप लोगों को तो इस बात का ख्याल ही नहीं है। खैर, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है, काहे रेस्ट की जरूरत है। अब इनको कुछ खिलाएं पिलाएं और मेडिसिन देके रेस्ट करवाएं। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं इनकी, कुछ इनको खिला के इनको रेस्ट वेस्ट कराएं। ख्याल रखें इनका। अल्लाह हाफिज़। देख रही है अम्मिया, क्या बेहूदगी है ये? ये सब क्या था फिजा? क्या था ये सब? तुम्हें शर्म नहीं आई? एक गैर मर्द की बाहों में झूल रही थी अम्मी वो। बस बहुत हो गया, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम किस घटिया इलाके से उठ के आई हो। किस तरह की तुम्हारी तरबियत हुई है ये आज मुझे पता चल गया। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मम्मी देख क्या रही हैं आप? फोन मिलाएं भाई को, बताएं कि उनकी महबूबा गैर मर्दों के साथ रंगरलियां मना रही थी। शर्म आनी चाहिए भाभी आपको।
किसकी चीखने की आवाजें आ रही हैं इतनी? शायद फिजा की। क्यों? वो मैं बिल देने के लिए नीचे गया था ना, तो फिजा की तबीयत बहुत खराब थी तो उसको हॉस्पिटल लेके चला गया था। तुम अकेले गए थे? आलिया और अरीशा कहाँ थे? घर पे नहीं थे। ओह गॉड, क्या कर दिया तुमने आज़र? अंदाजा ही नहीं था इनकी तबीयत इतनी खराब थी, मिलेगी हॉस्पिटल। उस बिचारी की जिंदगी अजाब कर रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फराज भाई। ठहर तो, क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? अरे क्या नहीं हुआ, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये ना आसर की बाहों में गिरी हुई थी। ये क्या कह रही हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है? जरा फिजा को फोन दीजिएगा। अब तुम अभी से बात करो, इसको ठीक करो। चुप बोल रही हैं आप? अरे बात तो करो भाई। अम्मी झूठ बोल रही हैं आप? ठीक कह रही हैं भाभी, बात करें भाई से। आज ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी अम्मी झूठ बोल रही हैं। फिजा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पूछो अपनी अम्मी से वो क्यों झूठ बोल रही है, बताएं आप क्यों झूठ बोल रही है। अब तो मुझे झूठा कहोगी? फराज देखो ये मुझे झूठा कह रही है। भाभी फराज मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज तो सिर्फ मत लो उस आदमी का। क्यों ना आप ना लूंगा इसका, किया ही क्या उसने, मैंने क्या किया है? झूठ बोल रही है तुम्हारी अम्मी, झूठ। बकवास बंद करो तुम। फराज ये मुझे झूठा कह रही है, तुम्हारी माँ को झूठा कह रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है। बताओ ना अरीशा क्यों झूठ बोल रही हो तुम भी? मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। तो मेरे पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। फिजा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। चलो चलो बस करो अब ये रोना धोना। और तुम क्या समझ रही हो, तुम्हारा रोना धोना सुनकर तुम्हारा यार तुम्हें बचाने आएगा? टांगे तोड़ दूंगी उसकी और तुम्हारी भी। चलो बहुत हो गए ड्रामे, निकलो इस घर से। अरीशा चलो इसका सामान बांधो। हाँ हाँ मैं सारा सामान बांध रही हूँ इसका। भाभी आपको शर्म नहीं आई, भाई के होते हुए गैर मर्दों के साथ रंगरलियां मना रही थी? बेखैरत निकले यहां से। क्यों किया? ओहो अब तुम मुझसे पूछोगी कि क्यों किया, और मैं तुम्हें जवाब दूंगी किस लिए किया, कि तुम मुझे बहुत बुरी लगती हो। अरीशा जल्दी से सामान बांधो और निकालो इसको।
लगता है ये माँ बेटियां आज बहू को जिंदा ही जला देंगी। सब तुम्हारा कसूर है। मैं क्या करता? मैं जब वहां गया तो वो बेहोश होने की हालत, मुझे लगा कहीं मरी ना जाए, इसलिए मैं हॉस्पिटल लेके चला गया। तो अब कौन सा बच जाएगी? आप प्लीज जाके देखें ना। बाबा मैं नहीं जाती इन औरतों के मुंह लगने। नहीं जा रही ना आप? नहीं जाएंगी ना नीचे? ओके फाइन, मैं खुद चला जाता हूँ। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तलाक कराओगे उसकी? अम्मी, अम्मी अब क्या होगा? क्या होगा? सामान बांधो उसका और घर से धक्के देकर बाहर निकालो। मेरा मतलब यही तो चाहती थी मैं। आज तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई है। बड़ा इश्क लड़ाया जा रहा था ना, निकल गया ना सारा इश्क। लेकिन अम्मी वो रो रही थी, रो रही थी। रोना तो अब उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। निकालो उसे घर से बाहर। भाई, भाई का क्या होगा? उसे मैं देख लूंगी। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। लगता है जमीन पे चांद उतर आया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था शादी के कपड़ों में इतनी खूबसूरत होगी। क्यों, पहले बदसूरत लगती थी? अगर तुम बदसूरत होती ना तो शायद आज मेरी दुल्हन। क्या बताएं कैसे पल पल जीते जी मरते रहे, पी के ये जहरी जुदाई, जीना कब आसान था, दुनिया से शिकवा अपना था मोहब्बत
हेलो मम्मी, मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया है मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फराज, ये क्या तुम रो रहे हो? मैं बर्बाद हो गया हूँ मम्मी, बर्बाद हो गया हूँ। खुदा का शुक्र अदा करो कि हम सब बर्बाद होने से बच गए हैं। ये जो घटिया घराने की लड़कियां होती है ना, होती इसी तरह है। जरा सी इज्जत क्या मिल जाए, दिमाग खराब हो जाता है। गैर मर्दों के साथ रंग रलियां मनाना शुरू कर दी थी। नहीं अम्मी, मेरी फिजा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अरे उसकी मासूमियत पे मत जाओ, उसकी मासूमियत ने तो हमें धोखा दिया है। इस वक्त फिजा कहाँ है? कहाँ होगी, अपने कमरे में सामान पैक कर रही है, बहुत खुश है, लगता ही नहीं कि उसकी तलाक हुई है। आप मेरी फिजा से बात कराते हैं, वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही। अरे फरहास, तुम पागल तो नहीं हो गए? किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हारा फिजा से कोई रिश्ता नहीं रहा है, तलाक हो चुकी है, अब वो तुम पर हराम है। हमी प्लीज प्लीज। देखो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम बहुत बड़ी मुश्किल से बच गए। वक्त पर हमें पता चल गया, अगर खुदा ना खास्ता कल को बच्चा बच्चा हो जाता फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती। दरवाजे पर कोई आया है। फराज तुम अपने आप को संभालो। हाँ और फिजा के बारे में बिल्कुल मत सोचो और उससे कोई राब्ता करने की कोशिश मत करना। अम्मी जाओ देखो तो कौन आया। मैं देखती हूँ। इस वक्त कौन आ गया, पागल है, रो रहा है। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? बेटा पता नहीं अजीब सा दिल घबरा रहा है। ठीक है फिर मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। ऐसे करो जो मैं रात को दवा लेती हूँ ना वो ले आओ, पानी भी ले आओ, शायद कुछ आराम आ जाए। कल यहाँ से मैं तुझे अपने घर में एक मिनट नहीं देखना चाहती। हाँ तुम क्या समझ रही थी, छोटे से घर में रहने वाली बड़े घर के ख्वाब देख रही थी। फराज ने कर दिया ना तुम्हें जलील, तीन लफ्ज तलाक के बोल दिए, अब तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं। निकलो निकलो। मासूम शक्ल देखो और कारनामे देखो, नजर मत आना वरना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारे। और जाओ दफा हो जाओ हमारे घर से, छोड़ेंगे नहीं हम दोनों, दफा हो जाओ यहाँ से। और ये तुम्हारी माँ ने लुंडा बाजार के कपड़े दिए ना, जाके दो अपनी माँ को। हाँ खड़े मुँह क्या देख रही हो, तमाशा मत बनो हमारे यहाँ पे, जाओ। अरे जाती हो कि लगाओ एक डंडा, दफा चल, दरवाजा बंद कर, नजर मत आना।
आजर, उन माँ बेटियों ने फिजा को घर से निकाल दिया है। What? हाँ, अभी मैंने उसको देखा है और वो मुझे बिल्कुल होश में नहीं लग रही। आजर, उसको रोको प्लीज। मैं देखता हूँ। रोड पे जा रही थी। मैं देखता हूँ। करो फिजा, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना, सब संभाल लेंगे। बैठो इधर, बताओ क्या हुआ, उन्होंने क्यों तुम्हें घर से निकाला? मम्मी अपनी जान देने जा रही थी गाड़ी के आगे, मैंने रोका इसको। क्यों कर रही थी ऐसे, हमें अपना समझो, बताओ। फिजा, I'm so sorry यार, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सब बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे तलाक दे दी, एक पल में सारे रिश्ते खत्म कर दिए, सब खत्म हो गया। क्या ये आज़र वाली बात पर? उसने मुझे बहुत बातें सुनाई, इतना कुछ कहा जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। नीचे जा, उनसे पूछने के लिए कि उन्होंने ये सब क्यों किया। अरे इसको 103 104 बुखार था, अगर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके नहीं जाता तो ये बेहोश हो जाती। ये खुनूदगी की हालत में थी मॉम। सर वो तुम्हें भी जानते और फिजा को भी, घटिया लोगों को तो बस एक बहाना चाहिए था। बहाना? बहाना चाहिए था? अगर उन्होंने ये सब से बहाने के लिए किया ना, तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि उनको अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा। देखिएगा, कोई फायदा नहीं सबका, उस बेचारी को तो देखो, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, सबको तलाक हो गई है। तुम इसको संभालो, उन घटिया औरतों को तो मैं देख लूंगी। प्लीज तुम चुप हो जाओ, मुझसे गलती हो गई, माफी मांगता हूँ इसकी। सर इसके घर वालों को तो बताना होगा। प्लीज मेरी अम्मी को कॉल मत कीजिएगा, उन्हें पता चला वो तो मर जाएंगी। सबके खिलाफ जाके मैंने ये शादी की थी, बहुत मना किया था मामू ने, लेकिन मैंने किसी की एक नहीं सुनी। प्लीज किसी को मत बताना। बेटा तुम अकेली क्या करोगी? मर जाना चाहती थी मैं, इसीलिए। क्यों बचाया मुझे बताओ, क्यों बचाया तुमने मुझे? फिजा ऐसे मत कहो, खुदकुशी हराम है। अच्छा तुम मेरे पास रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठो बैठो, बस यहीं मेरे पास रहो, मैं पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए।